दिल्ली के झुग्गियों में रहने वाले लगभग 700 रैग पिकर्स परिवारों ने बिना पैसे खर्च किए न के बराबर जगह उपयोग करते हुए अपनी झोपड़ियों में ही किचन गार्डन डेवलप कर रहे हैं। कूड़े कबाड़ में से बेकार पड़ी रस्सियों, नेट और तार को इस्तेमाल कर अपने टिन टप्पर या तारपोलिन से बने छतों या कंकड़ीले तार की बाउंड्रीज और दीवारों पर चढ़ने वाली लतर यानी क्रीपर्स फैमिली की सब्जियां जैसे घिया, तोरी, करेला, काशीफल, फलियां और पोई साग एक्सेट्रा उगा और खा रहे हैं। इस तरह जहां उन्हें अल्टरनेटिव इनकम के साथ साथ न्यूट्रिशियस फूड मिल रहा है, साथ में क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन में भी ये मददगार साबित हो रहा है। ये तो हुई मेट्रो सिटीज़ के स्लम्स की पहल। हमारे पूरे भारत में बहुत से ऐसे लैंड बेकार पड़े हैं जहाँ रिसोर्सेज की कमी या दूसरी वजहों से वहाँ की पब्लिक इन्हें यूज़ नहीं कर पा रही। इनमें से एक है चंबल का बीहड़। बीहड़ का मतलब ही है उबड़ खाबड़ पथरीली बंजर जमीन। पहले तो यहाँ डकैट्स की वजह से, बाद में एक्सट्रीमली टफ लाइफ की वजह से वहाँ के लोग पलायन करने लगे, लेकिन अब बहुत से एनजीओज आगे आकर वहाँ अकॉर्डिंगली प्लांटेशन करा रहे हैं जिससे वहाँ हरियाली आए और सोइल कंजर्वेशन की वजह से बीहड़ प्लेन एंड फर्टाइल बन सके, साथ में इकोनॉमिकल कंडीशन भी सुधरे। फ्रूट सील्डिंग हार्डी प्लांट्स जैसे अमरूद, आंवला, मुरिंगा के बागीचे लग रहे हैं। इससे मिट्टी का कटाव तो रुकेगा ही, न्यूट्रिशनल फलों का फ़ायदा भी मिलेगा। जेट्रोफा फैमिली के रतनजोत की खेती भी की जा रही है जिसे डीजल की खेती भी कहते हैं। डीजल की खेती क्योंकि रतनजोत का इस्तेमाल बायोफ्यूल तैयार करने में किया जा रहा है, इसलिए इसको डीजल की खेती भी कहते हैं। तो क्यों ना इस इनिशिएशन में हम भी जुड़ें और अपने आसपास के लोगों को भी कॉन्शियस करें ताकि देश का हर शहर और गांव ग्रीन स्पेस बन सके, साथ में ऑर्गेनिक सब्जी और फल भी मिले। अब तक हमने पढ़ा और सुना था, क्यों ना अब कर दिखाएं। क्रिएटिविटी हैज़ नो लिमिट्स।